की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज। गोझा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। जनता ने 36,000 से ज्यादा वोटों से राजद उम्मीदवार अमर पासवान को विजयी बनाया है। 25 राउंड की मतगणना में अमर पासवान को 82,547, बीजेपी की बेबी कुमारी को 45,889, वीआईपी की गीता कुमारी को 29,276, कांग्रेस के तरुण चौधरी को 1,336 और नोटा को 2,966 वोट मिले हैं। राजद और बीजेपी के बीच 36,658 वोटों का अंतर है। अमर पासवान ने इसे पूरी तरह से जनता की जीत बताई है। वहीं तेजस्वी का कहना है कि जनता ने डबल इंजन की सरकार को हरा दिया है। बता दें कि यह वही सीट है जिसे लेकर वीआईपी और बीजेपी आमने सामने आ गई थी। इसके बाद इस सीट का राजनीतिक महत्व काफी बढ़ गया था। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोझा विधानसभा उपचुनाव को लेकर शहर के आरडीएस कॉलेज परिसर में बने मतगणना केंद्र में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई थी। सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो गया था। हालांकि चुनावी मैदान में तो 13 प्रत्याशी उतरे थे, लेकिन बाद में 2 प्रत्याशी ने वीआईपी पार्टी को समर्थन दे दिया था। उसके बाद 11 प्रत्याशी मैदान में खड़े रहे। जिला प्रशासन की ओर से तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था किया गया था। तमाम मतगणना कर्मियों को उनके ड्यूटी के अनुसार उनके टेबल पर लगाए गए थे। वहीं सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती की थी। आपको बता दें कि बोझा क्षेत्र के लिए बोझा में कुल 350 मतदान केंद्र पर मतदान हुआ था। काउंटिंग सेंटर पर 14 टेबल पर 25 राउंड में वोटों की गिनती हुई। जी आज तक बोझा विधानसभा में आज तक इतने बड़े मार्जिन से कभी नहीं जीत दर्ज की गई थी। आज जनता जनार्दन ने मुझे यह आशीर्वाद दिया है। मैं तमाम जनता को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और तमाम लोगों को और जनता को ये बताना चाहता हूं कि आपका ये बेटा निरंतर आपके लिए काम करता रहेगा। और आज कहीं ना कहीं बाबूजी नहीं है स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी, लेकिन किसी न किसी तरह मैं आज उनके कुछ अंश अपने साथ लेके आया हूँ। उनकी चप्पल जो हमारे साथ, मैं उनका चप्पल उनके साथ, क्योंकि बहुत जुड़ाव रहा है उनसे मेरा। और आप मान के चलिए कि मेरी उम्र जो अभी है मात्र उनके साथ 6 साल ही बिताने का समय मिल पाया। 32 साल उम्र है मेरी, लेकिन आज 6 साल ही इसलिए मैं गुजार पाया क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था। मेरी शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने मुझे बाहर रखा, लेकिन जब मैं उनके पास यहाँ पे आया, उनके जो कर्मठता, उनकी ईमानदारी, उनकी स्वच्छता, उनकी वजह से आज मैं इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ। और उन्होंने अपना जीवन, सामाजिक जीवन जिया। मैं उनको आदर्श मानते हुए ईमानदारी के साथ आज से बोझा में एक नया इतिहास लिखा जाएगा और स्वच्छता की अभ्यास, स्वच्छता ही लिखा जाएगी। जनता जिन, क्योंकि वो त्रस्त हो चुकी है, जनता आज के जो की सरकार है उसे त्रस्त हो चुकी है। वो हर 2 दिन में नई नई चीजें बताते हैं। न्यूज का मतलब होता है नई नई चीजें। आप एक दिन पूर्व कुछ कहेंगे, एक दिन बाद कुछ कहेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि आपको जनता को जो आपने कहा है उसको पूर्ण रूप से आप दीजिए, वो करके दिखाइए। आपका क्या होगी प्राथमिकता? आपकी शिक्षा और ब्लॉक लेवल पे जो भी त्रुटियां हैं, जो भी जनता मालिक के द्वारा बताई जाएंगी कि यहाँ यहाँ त्रुटियां हैं, उसको सही करने का काम हमारा प्रथम लक्ष्य रहेगा। बाढ़ से निजात के लिए क्या करेंगे? चूंकि पूछा सड़क और बाढ़ से निजात के लिए। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।